गत वर्ष साइबर अपराध जोगुं लागिछि 1,00,000 डॉलर चून। भारतीय मुद्रारे एहार परिमाण हेउछि 73,00,000 टंका, अर्थात भारतीय अर्थनीतिर प्राय 3 भाग। आगकु ए स्थिति आहुरी भयंकर हेबाकु जाउछि। साइबर सिक्युरिटी फार्म माकाफीर सर्भेरे एई तथ्य सामनाकु आसीछि। 2018 तुलनारे 2019 साइबर अपराध संख्या 50% वृद्धि पाइछि। जेउ हाररे साइबर अपराध बढ़ुछि, 2025 बेलकु साइबर अपराध जनित आर्थिक क्षति 10,00,000 डॉलर टपिजिबो, जहां भारतर अर्थनीति ठारु भी अधिक। सारा विश्व पई आगकु बड़ चैलेंज भाबरे उभावाकु जाउछि ए साइबर अपराध। भारतरे मध्य साइबर अपराध व्यापक भाबरे काया विस्तार करिछि। नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट अनुजाई 2019 देशरे साइबर ठकई संपर्कित 26,891 मामला पंजीकृत होता। से ही वर्ष ओडिशा रे साइबर ठकई रे पंजीकृत मामला संख्या थिला 1,000। देश में यह मामलें षष्ठ स्थान में थिला ओडिशा। से 331 एटीएम ठकई, 545 ऑनलाइन बैंकिंग ठकई और 55 अन्यान्य आर्थिक ठकई मामला रही। ऑनलाइन ठकई पर चर्चित झारखंड जमतारा गैंग भी ओडिशा रे काया विस्तार करिछे। बहु युव गोष्ठी को सामिल करी राज्य में ऑनलाइन ठकेर एक बड़ रैकेट चलाइछे गैंग। साइबर अपराधी अधिक सक्रिय होता बेले से धरिबा पई पुलिस पाखरे आवश्यक ज्ञानकौशल नाही। एने पुलिस कर्मचारी को स्वतंत्र तालीम अभाव जोगु साइबर ठक सहजरे खसी जाउछन्ती। जेउ माने भी धरा पड़ुछन्ती प्रमाण अभावरु से माने बहु समय रे खसी जाउछन्ती। तेणु साइबर अपराध को काबू करिबा पई खास रणनीति न अपणाइले यह उभय देश और राज्य पई आगामी दिन में बड़ चैलेंज भाव उभाग। माकाफीर सर्भे रिपोर्ट रे भी यही चेतावनी दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।